तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सन की पायलट में, जिसमें मैं असिस्टेंट लोको पायलट MS राजपूत आज साक्षात ब्रह्मा बनकर आपको ज्ञान देने वाला हूं कि नाइट ड्यूटी में नींद आने पर लोको पायलट कौन कौन से नशे करता है। और अगर तुम भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और तुम्हें भी पढ़ते पढ़ते दुनिया घूमती हुई दिखाई देती है, तो वीडियो के लास्ट तक तुम्हें भी नींद उड़ाने की एक ना एक टिप तो मिल ही जाएगी। आइए देखते हैं, मजा आएगा। देखो, रेलवे बोर्ड अपने लोको पायलट को अपनी नींद पूरी करने के लिए रेलवे क्वार्टर पर देता है 16 घंटे का रेस्ट और आउट स्टेशन यानी रनिंग रूम में देता है 8 घंटे का रेस्ट। इसके साथ उसे मिलती है 1 जियो की सिम और 30 GB डेटा पर मंथ फ्री, ताकि वो सनी लियोनी, मेरा मतलब सनी देओल की पिक्चर देखकर चिल कर सके और नाइट ड्यूटी पर ना सोए। लेकिन है तो सारे इंडियन ही, सोएंगे तो नाइट ड्यूटी में। इसलिए रेलवे ने इंजन पर लगा रखा है विजिलेंस कंट्रोल डिवाइस यानी VCD, जिसका मुख्यतः काम होता है लोको पायलट की निगरानी करना। देखो, अगर लोको पायलट हर 1 मिनट में स्पीड बढ़ाना, घटाना, ब्रेकिंग करना, हॉर्न मारना, सेंडर दबाना, के रोने रोना, असिस्टेंट को परेशान करना, अपने गांव को याद करना और रनिंग रूम में डेली मुर्गा या पनीर नहीं मिलने की शिकायत करना जैसे बेसिक काम नहीं करता है तो भाई साहब इंजन हो जाता है बावड़ा और लगा देता है पूरे ट्रेन में इमरजेंसी ब्रेक। और उसके बाद और देखो, मुंबई में चलने वाली लोकल और डेमो का तो और भी बुरा हाल है। इनमें लगा होता है एक डेड मैन लीवर या हैंडल, जिसे सीधा पकड़ कर रखना होता है। अगर गलती से भी ये टेढ़ा हो जाता है तो पूरी ट्रेन में लग जाते हैं ब्रेक। और उसके बाद देखो, अगर नाइट में मुझे किसी मालगाड़ी के लिए बुक किया जाता है तो मुझे ज्यादा टेंशन नहीं होती, क्योंकि मुझे पता है ये 1 या 2 स्टेशन से आगे नहीं जाने वाली है, क्योंकि नाइट में होता है मेल एक्सप्रेस ट्रेनों का आतंक। जिस छोटे स्टेशन पर मालगाड़ी को रोका जाता है, लोको पायलट उसके स्टेशन मास्टर से ये कंफर्म कर लेता है कि ये मालगाड़ी कितनी बजे या कौन सी मेल एक्सप्रेस ट्रेन के बाद में जाएगी। और उसके बाद अपने बैग से कट्टा निकालकर घोड़े गधे बेचकर आराम से सो जाता है। लेकिन मेल एक्सप्रेस पर काम करने वाले लोको पायलट को ये सौभाग्य प्राप्त नहीं होता है। और मेल एक्सप्रेस पर काम करने वाले अधिकतर लोको पायलट होते हैं डोकरे यानी बुढ़े, और ये डोकरे नींद उड़ाने के लिए पूरी रात पीते हैं चाय। देखो, मैं पूरे स्टेट को तो जस्टिफाई नहीं कर रहा, लेकिन रेलवे में सर्वाधिक लोको पायलट आते हैं बिहार से, और बिहार का लोको पायलट अपनी नींद उड़ाने के लिए या तो खाता है ड्राई फ्रूट्स या फिर खाता है जर्दा या तंबाकू। दूसरे नंबर पर सर्वाधिक लोको पायलट आते हैं यूपी से, और यूपी का लोको पायलट अपनी नींद उड़ाने के लिए या तो खाता है सौंफ, इलायची या लौंग, या फिर खाता है अगर बात की जाए महाराष्ट्र के लोको पायलट की, मराठी लोको पायलट जो उड़ण्यासाठी खाता विमान पान मसाला म्हणजेच बोलू जुबा केसरी किंवा तळलेला कायपण। अगर बात की जाए राजस्थान के लोको पायलट की, तो राजस्थान के लोको पायलट नाइट ड्यूटी को देखकर कभी भी टेंशन में नहीं आते हैं, क्योंकि ये नींद उड़ाने के लिए खाते नहीं है, पूरा चाट जाते हैं सामने वाले का दिमाग, वो भी अपनी कहानी और किस्सों से। बच्चों, इस वीडियो से हमें क्या शिक्षा मिलती है? देखो, सीधी सी बात यह है कि अगर तुम भी देर रात तक जगना चाहते हो तो तुम्हें भी गाय भैंसों की तरह अपना मुंह चलाना पड़ेगा। फर्क नहीं पड़ता कि तुमने इसमें इलायची का दाना ठूस रखा है या विमल पान मसाला। देखो, जब भी मेरी नाइट ड्यूटी लगती है तो एक तो मैं खाना जल्दी खा लेता हूँ और दूसरा दबा कर नहीं खाता, और फिर भी मुझे नींद आती है तो मैं अपनी सीट से खड़ा हो जाता हूँ। फिर भी मुझे नींद आती है तो मैं अपने मुंह पर पानी फेंक कर मारता हूँ, और फिर भी मेरी नींद नहीं उड़ती है तो मैं लौंग के सस्ते नशे करने लग जाता हूँ। इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी अगर मेरी नींद नहीं उड़ती है तो बस मैं चलती ट्रेन से अपना मुंह बाहर निकाल लेता हूँ, मुझे यमराज और उनका भैंसा एक साथ दौड़ते हुए दिखाई देते हैं और मेरी नींद छू हो जाती है। तो बस यार, आज के लिए इतना ही। वीडियो में 1% भी कुछ अच्छा लगा हो तो प्लीज सबर कराए, सर सर कब, व्हाटएवर, प्लीज।